गाड़ी का टायर फट गया, खत्म गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो करते हैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट, और अभी मैं अपना ब्लॉग जो शुरू कर रहा हूँ वो है इकबाल पार्क से। हम जा रहे हैं एक नई लोकेशन पे, नई रेकी करने। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, तो चलते हैं। गाइज फाइनली हम पहुंचे हैं गांदरबल, और हम करते हैं हमारी लोकेशन को रिवील जो कि है मानसबल लेक। तो अभी हम चल रहे हैं मानसबल की तरफ। तो गाइज बताता चलूं, मानसबल श्रीनगर से 32 किलोमीटर अवे है, ऑलमोस्ट एक से डेढ़ घंटा लगता है ट्रैफिक को जोड़ के। एक काफी अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है, आई मस्ट सजेस्ट आप भी जाइए और एक बार देख के आइए। फाइनली गाइज हम पहुंचे हैं मानसबल लेक, और हम आपको दिखा रहे हैं टॉप व्यू, टॉप से दिखा रहे हैं मानसबल का व्यू कैसा लगता है टॉप से, और इट्स अमेजिंग। तो फिलहाल हम ढूंढ रहे हैं पार्किंग, गाड़ी को करते हैं पार्क और चलते हैं मानसबल लेक की तरफ। And the view is amazing, amazing. बहुत ही clear sky, एक clear view है, और I can say pollution free, and that शोर शराबा नहीं है, एक खामोश सी जगह है, बहुत खूबसूरत है। मैंने जो यहाँ पे नोटिस किया, यहाँ के लोग जो है काफ़ी जो है फ्रेंडली है, और बहुत हेल्पफुल है, बहुत ग्रेसफुल है। एंड फाइनली यहाँ की रेगी खत्म करते हम जा रहे हैं हमारी दूसरी लोकेशन पे आगा साहब के साथ। इतनी तेज गाड़ी भगा देगा किसी ने सोची नहीं। 5 minutes late. गाड़ी का टायर फट गया, खत्म। तो जी ये लीजिए, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, और हमारे पास स्टेपनी पड़ी हुई है, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा जो जैक है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, फ्री हो रहा है, तो हमने जी ली है इनसे हेल्प। तो करते हैं हमारा टायर रिप्लेस। तो
फाइनली हमने हमारा टायर जो है चेंज किया है, अब चलते हैं हम लोकेशन की तरफ। बट प्रॉब्लम एक और चीज़ आ रही है, बाकी दो टायर्स में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आई डोंट नो आज क्या हो रहा है, बट उम्मीद करते हैं कि हम हमारा काम ख़त्म करें पहले। हम जी पहुंचे हमारी दूसरी लोकेशन पे, जो कि है लाल बाजार में। और आप सब लोग जानते होंगे लाल बाजार में लेप्रस कॉलोनी है, तो हम पहुंचे हैं उस लोकेशन पे, उस लोकेशन की रेकी करने। फाइनली यहाँ की रेकी ख़त्म करते ही हम जा रहे हैं टायर शॉप पे टायर खरीदने, क्योंकि तीनों टायर्स में जो है प्रॉब्लम हो गई है। तीनों टायर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, आई डोंट नो क्या हो गया है। तो हम जा रहे हैं टायर शॉप पे टायर पहले रिपेयर कराने, या तो रिपेयर करेंगे या तो चेंज करेंगे, वो तो वहीं पर पता चलेगा। हम पहुंचे हैं टायर शॉप डाउनटाउन में, और यहाँ पे हम पहले देखेंगे टायर्स। तो आई गेस बहुत सारे टायर के ब्रांड्स हैं, बट आई सजेस्ट यू ब्रिजस्टोन सबसे बेस्ट है टायर्स के लिए, क्योंकि हमने बहुत सारे टायर्स को यूज़ किया है, बट ब्रिजस्टोन इज़ द बेस्ट। आई रिकमेंड यू कि आप ब्रिजस्टोन को ही यूज़ करें। फाइनली हमारे तीनों टायर्स जो है चेंज हो गए हैं, तो हम चलते हैं हमारे बाकी काम करने। तो हम जी पहुंचे बटमालू, और यहाँ पे हम सोच रहे थे कि टायर्स की अलाइनमेंट कराएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है सारी दुकानें बंद हो गई हैं। देखते हैं क्या होता है। एंड फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हमें जी कोई शॉप नहीं मिला जहाँ पे हम अलाइनमेंट कर पाए, तो हम चले हैं जी होम स्वीट होम। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। खुदा हाफिज़।